रिहाई हो चुकी है। छबराम, तुम्हारे पिताजी की जमानत पर तुम्हें छोड़ दिया जाता है। अब आइंदा किसी के बीच बचाव में ना आना, क्योंकि बीच बचाव करने वाला ही सबसे बड़ा दोषी ठहराया जाता है। जैसा कि तुम कसूरवार ना होते हुए भी तुम्हें कसूरवार ठहराया गया। चलो अब यहां दस्तखत कर दो। बेटा, हम तुम्हें बचपन से ही समझाते आ रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, किसी दिन बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वही हुआ ना, ठाकरों ने बिना कसूर होते भी तुझे पुलिस में अरेस्ट करवा दिया। पिताजी, बदले की आग हमेशा हमारे दिल में जलती रहेगी। आखिर हमने ठाकरों का क्या बिगाड़ा था जो हमें पुलिस से पकड़वा दिया? ये बात मरते दम तक मेरे दिल में खटकती रहेगी। बेटा, गुस्से को पी जाओ। गुस्से को पीना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। इसी महीने तुम्हारी शादी हो जाएगी, भूल जाओगे लड़ाई झगड़े को। पिताजी, मैं खेतों पर जा रहा हूं। जाओ, संभल के जाना। आप यहां कैसे? अगर किसी ने देख लिया तो भूचाल आ जाएगा। छबराम, मैंने तुझे हजार बार समझाया, हमारा और झलकनिया का बहुत पुराना याराना है, हमारे बीच में मत आओ, नहीं तो जान से मारे जाओगे। चले जाओ यहाँ से, दोबारा इस चौखट पर कदम रखने की कोशिश ना करना। विक्रम सिंह, आज के बाद हम इस चौखट पर कदम नहीं रखेंगे, मगर इन ठाकुरों के गांव से हमें बाहर तक तो छोड़ के आओ। ठीक है। विक्रम, जाते जाते हमें एक बीड़ी तो पिला दो। कुत्ते, खुद खाना जानता है, दूसरा खाए तो भौंकता है। आज के बाद झलकनिया मेरी है, मेरी ही रहेगी। इंस्पेक्टर, ये सब करामात छबराम की है और उसे नहीं ही मेरे भाई को। जाओ हरनागरपुर, उसे गिरफ्तार करके लाओ। तुम्हारा ही नाम निरंजन सिंह है? हाँ, हमारा ही नाम निरंजन सिंह है। बोलिए क्या काम है?
तुम्हारे बेटे ने ठाकुर बिक्रम सिंह का खून किया है। बताओ कहाँ है तुम्हारा बेटा? अब वो पुलिस के हाथों से नहीं बच सकता। सर हमने कोने कोने में ढूंढ लिया, चूहों के बिलों में ढूंढ लिया, छबराम सिंह कहीं नहीं पता चला, कहां चला गया साला। ठीक है हम आज जा रहे हैं, लेकिन छबराम सिंह ज्यादा दिन तक पुलिस की गोली से नहीं बच सकता। एक ना एक दिन वो पुलिस की गोली से मारा जाएगा। पिताजी ये पुलिस क्यों आई थी? मत कहो पिताजी, तुम्हारी वजह से हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। कभी पुलिस ने इस दरवाजे पर कदम नहीं रखा था, आज तुम्हारी वजह से पुलिस वाला न जाने क्या क्या कहकर चला गया। हमने सोचा था हमारा बेटा राम बन के जिएगा, रावण जैसा राक्षस नहीं। पिताजी राम को भी युद्ध करने के बाद लोगों ने राम का ही दर्जा दिया था। राम ने सीता के लिए युद्ध किया था, हम गरीब समाज के लिए युद्ध कर रहे हैं। सिर्फ सपने देखने से ही कुछ नहीं होता, उन्हें साकार भी करना पड़ता है। अगर इतने ही ज्ञानी हो तो छोड़ दो इस रास्ते को छबराम, छोड़ दो। पिताजी जब तक धरती पर छबराम रहेगा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा। पिताजी हमने अन्याय के खिलाफ ये रास्ता अपनाया है। हम आज भी आपकी कसम खाकर कहते हैं, भूखों को कभी भूखा नहीं सोने दूंगा, उन पर कभी अत्याचार नहीं होने दूंगा। पिताजी मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने ऐसा जुर्म का रास्ता अपनाया है जो सीधा मौत के मुंह में जाता है। बहू उस घर को छोड़ के मत जाओ, इसके जुर्म और भी बढ़ जाएंगे और कोई नहीं रोक पाएगा। पिताजी मैं जब तक इस डेयरी पे कदम नहीं रखूंगी जुर्म का रास्ता नहीं छोड़ देंगे। पिताजी हमारा भतीजा वासुदेव कहाँ है? बेटा होगा कहीं तेरी तरह ही मौज मस्ती कर रहा होगा। लुक लुक देखे चोरी
चिच्चा, तुमने ऐसा क्या काम कर दिया जिससे पुलिस घर पर तुम्हें ढूंढने आई थी? वासुदेव, तेरी नई चाची झलकनिया से हमारा नया संबंध हो गया है, जिससे ठाकुर विक्रम सिंह ने हमें गांव से निकालने की धमकी दी। ये हमें बर्दाश्त नहीं हुआ और हमने ठाकुर विक्रम सिंह को गोली मार दी। वासुदेव, जो हमारे तुम्हारे बीच बातचीत हुई है वो कभी बड़े भैया को भी मत बताना। अब हम चलते हैं। ठीक है चाचू, चिंता मत करो। झलकनिया, तुम हमारी जिंदगी में जब से आई हो तब से हमारे हजारों दुश्मन पैदा हो चुके हैं, कदम कदम पर लड़ाई झगड़े बढ़ चुके हैं। छबराम, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। ए पुलिस वालों, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत करो। झलकनिया, पुलिस तुम्हारा जीना हराम कर देगी, तुम सीधी हमारे ग्वालियर वाले मकान पर चली जाओ। छबराम, अगर यहाँ पर ज्यादा पुलिस का बब्बर हो तो तुम अपने घर चले आना। You are under arrest, Mr. छबराम, भागने की कोशिश मत करना। इंस्पेक्टर, हम कायर नहीं हैं जो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। चलो डाल दो जेल में। कुछ नहीं बताऊंगा इंस्पेक्टर, हमारे जो रास्ते में आएगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे हमारा अपना क्यों ना हो, इसलिए हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत करो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, हम छबीराम की रिहाई के लिए आए हैं, ये है रिहाई के कागजात। हमारी पुलिस को मुखबरी देने वाला कौन है? हम उससे मिलना चाहते हैं। छबीराम, जब तक तू बंदूक नहीं उठाएगा तब तक तू किसी से कुछ नहीं कह पाएगा। तो मैं बंदूक उठाने को तैयार हूँ। तो सोचता क्या है, जा लिख दे जुल्म की दीवार पर अपना नाम डाकू छबीराम सिंह, फैला दे हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने नाम की दहशत। Oh,
फूल सिंह बाहर निकल, मौत तेरे सर पे मडरा रही है। दादा, ये वही फूल सिंह है जिसने पुलिस को मुखबरी दी थी। वो थी क्या बोलती है भविष्यवाणी? दादा, भविष्यवाणी क्लियर है। इन 11 को लाइन में खड़ा करके उड़ा दो सालों को गोली से। जय श्री राम, जय श्री राम। बेटा, मेरी बात मान ले, अभी भी वक्त है। छोड़ दे इस रास्ते को, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। पिताजी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मैं उन लुटेरों को लूटता हूँ जो दिन दहाड़े गरीबों के घर को लूटते हैं। मैं उन अमीर जादों को लूटता हूँ जो दिन दहाड़े गरीबों के खून पसीने से अपनी बिल्डिंगें बनाते हैं। बेटा, कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे गरीबों की हाय तेरी जिंदगी को न ले डूबे।
Thank you.
चलो कुछ बात करनी है। हम कुछ दिनों के लिए ग्वालियर जा रहे हैं। पुलिस का पहरा ज्यादा बढ़ चुका है। समय समय पर खबर करते रहना। ठीक है चचा, हम समय समय पर खबर देते रहेंगे, तुम्हारे पास खबर पहुंचाते रहेंगे। सर, ये लाशें छबराम सिंह की गिराई हुई है, उसी के हाथ से मारे गए ये लोग। छबराम, तेरा आतंक ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। एक ना एक दिन तू मारा जाएगा। एसपी रवि कुमार, तुम्हें मैनपुरी जिला भेजा जाता है। हमारी एक बार छबराम से कुरावली थाने में मुलाकात हुई थी। उसका आतंक बहुत ही बढ़ चुका है। तुम्हें हर हालत में उस एरिए से छबराम का आतंक मिटाना होगा, ठीक है? ओके सर, मैं कसम खाता हूँ, जल्द से जल्द छबराम को गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर दूंगा। ओके। हमने सुना है नए एसपी साहब आ रहे हैं। नए एसपी साहब आ रहे हैं तो तूफान आ रहा है जो धरती पर भूचाल आ जाएगा। हवलदार मच्छर सिंह को डराने की कोशिश मत करो। हवलदार मच्छर सिंह ने अच्छो अच्छो को मच्छर बना के छोड़ दिया है। अब ये नए एसपी क्या करेंगे? अब करूंगा तो मैं। डाकू छबराम सिंह को पकड़ के इस झोपड़े में बंद नहीं किया तो हवलदार मच्छर सिंह भी हमारा नाम नहीं। झोपड़ा? ये झोपड़ा क्या है वल्ला? हाँ यार, कभी घर में, कभी इधर, कभी उधर, हम 24 घंटे रहेंगे तो उसको झोपड़ी कहेंगे। चल सही है। अरे भाई, ये झोपड़ा क्या है ये तो बताओ। अरे चलो पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन से? आप पुलिस स्टेशन को झोपड़ा कहते हैं? हाँ, आओ आओ। हाँ भाई, रिपोर्ट लिखवानी है। ठहरो जरा, हवलदार मच्छर सिंह आराम तो कर ले, उसके बाद सुनहरे अक्षरों में आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। तुम पुलिस वाले हो? जैन सर, सर आपको भाई, हम लोग तो आपका इंतजार कर रहे थे ना सर। सर हम आपका इंतजार कर रहे थे, है ना अवतार साहब? है, बोलो ना भाई। हाँ सर, हाँ सर, मैं आपकी का इंतजार कर रहा था। सर के लिए चाय नाश्ता लेके आओ। चाय नाश्ता अभी जाता हूँ। ठीक है, ठीक है अवलदार, मैंने सब सुन लिया। यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है? सर ठीक चल रहा है, आपकी कृपा है। अब आ गए, आप आ गए, खुद संभालेंगे सर। बस वो तो मैं संभालूंगा ही। हाँ ठीक है। कोई भी आदमी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मेरा नाम डाकू छबराम सिंह है। जिसके पास जो भी है निकाल के इस थैले में डाल दो,
छबराम सिंह के अच्छे अच्छों की पिलपिली हो जाती, निकल। ये मेरा इलाका है, देगा बस न कुछ तो तुझे देना ही होगा, निकल। अबे ओए, छबराम को पहचानता है? अबे पहचानना क्या, मैं खुद छबराम सिंह हूँ। अबे ओए, थप्पड़ का मारा। पहला सबक, छबराम कभी किसी को धमकी नहीं देता। दूसरा सबक, छबराम कभी बहन बेटियों को नहीं छेड़ता। तीसरा सबक, छबराम कभी गाड़ियों को नहीं लूटता। कहो चाचा। हाँ भतीजे। उड़ा दो सालों के छक्के। उड़ा दो, मारो सालों को। चुका है, आप जल्दी आ। I'm
छुपा रखा है तूने अपने बेटे छबराम को।
पुलिस के शिकंजे से तो बच सकता है, मगर ठाकुर रंजीत सिंह के शिकंजे से उसे कौन बचाएगा? वो ये ना समझे कि हमारे भाई को मारकर मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। नहीं, ठाकुरों की ये आन है, या तो मर जाते हैं या मार देते हैं। अरे हत्यारे, तुमने ही छबराम को डाकू बनने पर मजबूर किया था। ये मत समझना कि छबराम सिंह की गैर हाजिरी में तू उसके बाप पर अत्याचार ढालेगा। अभी तेरा बाप छबराम का भतीजा वासदेव जिंदा है। अगर उसे पता चला कि उसके बाबा पर अत्याचार ढाया गया है तो जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो तुझे अवश्य मारेगा, चुन चुन के मारेगा। निरंजन सिंह, जा रहा हूं, कह देना अपने पोते से कि अपने चाचा को कल हमारे हवाले कर दे, नहीं तो चाचा के साथ साथ भतीजे को भी दफना दिया जाएगा। वासदेव, विक्रम सिंह का भाई रंजीत आया था और कह रहा था कल तक छबराम सिंह को उसके हवाले नहीं किया तो छबराम सिंह के साथ वासदेव को भी जिंदा जमीन में गवा देगा। क्यों बे, घर पे क्या धमकी दे के आया था? मुझे जमीन में जिंदा दफना देगा क्या? वासदेव, तू भूल रहा है, मेरे ही गांव में, मेरे ही घर में, मेरे ही आदमियों के सामने बैठकर तू बात कर रहा है। सब कुछ तेरे पास होने के बावजूद भी ये राज मेरा है। अगर मैं चाहूं तो तेरे ही गांव में, तेरे ही घर में, तेरे ही लोगों के सामने जिस कुर्सी पर तू बैठा है उसी कुर्सी के नीचे तेरे ही लोगों को घसीट घसीट के मारूंगा। इसलिए ये उल्टी सीधी हरकतें करना छोड़ दे, शराफत से जी ले, नहीं तो जलाकर राख कर दूंगा। चलता हूँ। वासदेव, अगर तेरा सर काट के मैंने अपने दरवाजे पर नहीं लटकाया तो मेरा भी नाम ठाकुर रंजीत सिंह नहीं। कान ठोक के मुझे चैलेंज मत कर, वरना जान हाथ काट के बगल में दबा दूंगा। हाथ नीचे, हाथ नीचे, पंगा मत लेना, जलाकर राख कर दूंगा। ड्राइवर साहब, वो तो गया, आपकी किरकिरी करके ठीक रहे जो जुबान बंद रखी, नहीं तो मिट्टी खराब कर देता आपकी। लो पसीना पहुंच लो, पसीना खड़ा है, कर गया वो आपकी पजनियां गीली। हवालदार, आज से जगह जगह कैंप लगा देना ताकि छबराम किसी भी कीमत पर डकैती न डाल सके। चलो नगला राड़ा, छबराम के आने से पहले पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लेते हैं।